नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कल देर शाम तक सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची थी। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की ओर से फतेहाबाद में एंट्री के समय रतिया चुंगी पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया था। पहले से सीएम की यात्रा में बस में सवार बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सीएम को भेंट देकर उनका स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला और सांसद सुनीता दुग्गल भी यात्रा बस में मौजूद रही। सीएम मनोहर लाल के द्वारा पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद पपीहा पार्क में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। शहर में बीजेपी के टिकट के चाहवान नेताओं ने भी भीड़ प्रदर्शित करके अपने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज बीजेपी के पक्ष में बिहार बह रही है, लेकिन उन्हें जनता के साथ स्वाद स्थापित करना था ताकि आगामी 5 साल के लिए उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए वह जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं ताकि लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके। इनेलो और कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी पर पिछले 5 वर्ष में सत्ता चलाने के दौरान एक भी दाग नहीं लगा, जबकि इससे पहले कांग्रेस व इनेलो पर भ्रष्टाचार के कई दाग लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम लोगों की भीड़ को देखकर गदगद दिखे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की खास रिपोर्ट। हमारे संत जी भी उपस्थित है, संतों के आशीर्वाद वाली मुख्यमंत्री जी, सारे जितने भी आगे संतजनों को आने दे भाई, संतों को आने दे, साथ ही संतजनों को आने दे, संतों को आने दे, संतों को आने दे, आइए सब पार्षद सम्मी हमारा हिसार जिले की उकलाणा विधानसभा से फिर सरियाणा से होकर के और ये तीनों विधानसभा क्षेत्र अपने जिले के कवर करके आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब 9 बजे चल करके और 6 बजे पहुंचना था, 10 बजे आए हैं, तो कितना अपार प्यार सब स्थानों पर मिला होगा। ऐसा जबरदस्त प्यार मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फतेहाबाद ने भी आज पूरे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए है। फतेहाबाद एंट्री पे हमारे जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, वे फुला जी की टीम को मैं बधाई देता हूं। अगस्त से लेकर के आज तक ये इतना जबरदस्त, अगर मोलू राम जी की रोड लोही रहेगी तो एक बार वेंट करेंगे। और आज की यात्रा के सफल आयोजन के लिए हमारे आज यात्रा के दिन प्रमुख गोविंद भारद्वाज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुलशन हंस जी 4 घंटे से, ये गुलशन भाई 4 घंटे, मित्रों भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इस यात्रा के लोग हमको पूछते हैं, मीडिया के लोग भी पूछते हैं, और कुछ हमारे विरोधी लोग वो अंदर अंदर वो भी कुछ लोगों को पूछते हैं। वो कहते हैं भाई जब बीजेपी का इतना अच्छा वातावरण है और जब सारे देश में लोकसभा में आपने इतना बड़ा बहुमत ले लिया, तो विधानसभा में बहुमत लेने में कोई शक है क्या? अब जब ये बात आती है तो मेरे जैसा आदमी ये कहता, देखिए हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कभी भी चुनाव आए, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो, चाहे हम विपक्ष में हो, चाहे हम मजबूत हो, चाहे हम कमजोर हो, चुनाव के समय का एक धर्म है वो है लोक संवाद, लोक संपर्क, जनता से संवाद, जनता से संपर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
और ये जनसंपर्क करने के लिए हमारे टीम ने जो विचार किया कि मुख्यमंत्री जी आप एक 20 दिन का समय निकाल दो, मैंने क्या करेंगे कि एक कोने से चलेंगे सब घूम घाम करके सारे प्रदेश में और रोहतक में हम आखिरी दिन नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने पूरे हरियाणा को इकट्ठा करेंगे, ऐसी कोई योजना बनाते हैं। और ये मंथन होने के बाद लोकतंत्र में 5 साल के बाद चुनाव आता है, हमारा लोकतंत्र का एक स्वरूप ही ऐसा सुंदर स्वरूप है कि 5 साल अच्छा काम किया हो तो आप दोबारा ले आओ, अच्छा काम ना किया हो उखाड़ के फेंक दो। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ने अपना फैसला करना होता है, क्योंकि सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, ये सरकार किसी और के लिए नहीं होती है। जनता ने अपने आप अपनी सरकार को 5 साल के लिए चुनना होता है, जिस पर भरोसा होता है उसी को हम चुनते हैं। हमने सरकार में नौकरियां दी, मेरिट पर दी, हमारे ही लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेरिट के चक्कर में फंस जाओगे तो हमारे जो नजदीक लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास जो पर्चियां लेके आते हैं, हम क्या करेंगे, उनको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा भाई आप ये मानो, हरियाणा के जो आप कितने ही हमारे हैं, इसकी बजाय ये कहो कि जो 2.5 करोड़ लोग हैं ये सारे हमारे हैं, जो लगेगा वो हमारा है, नहीं लगेगा उसकी भी चिंता कर लेंगे। हमने सब भेदभाव छोड़ दिए, हमारी चाहे एक सीट पर किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता हो या कोई और जीता हो, हमने काम में कमी नहीं छोड़ी है, हमने काम में कमी नहीं छोड़ी है। इस जिले के अंदर एक विधानसभा हमारे पास आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष टोहाना से जीते, लेकिन रतिया तो हम नहीं जीते थे, फतेहाबाद तो हम नहीं जीते थे, लेकिन क्या कोई काम छोटा हो बड़ा हो बाकी विधानसभा में हुआ कि नहीं हुआ? पलवान से भी आप बताएं, फतेहाबाद विधानसभा में काम हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं? हाँ, भगवान सिंह जी तो उन बातों से प्रभावित होकर के बाद में इनकी भी इच्छा कर गई, चलो भाई और कुछ नहीं तो बीजेपी में हमने का द्वार खुले आ जाओ, द्वार खुले आ जाओ। तो भाइयों बहनों, एक शुद्ध सात्विक साफ सुथरी ईमानदारी से चलने वाली सरकार बिना भ्रष्टाचार के बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से सब बातें हमने की हैं, कभी भी अनजाने में भी गलती कोई हुई नहीं है। भाइयों बहनों, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमारे की सरकार के ऊपर एक भी गलत आरोप कोई लगा नहीं सकता है, कोई लगा नहीं सकता है। और पिछले 10 साल का शासन कांग्रेस का और 5 साल का इंडियन नेशनल लोकदल का, कितने ही काले धब्बे उन सरकारों पर लगे हुए हैं, वो मिटाने से भी नहीं मिटेंगे। भाइयों, निर्दोष को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने दोष किए हैं वो बचेंगे नहीं, जेल में सलामों के पीछे जाएंगे। हमने कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, यहां तक तो सब लोगों ने सुना। अब हमने ये भी कहा है कि जो जनता का पैसा इससे पहले जो खा गए हैं उनको भी निकालेंगे, उनको भी छोड़ेंगे नहीं।